पुष्य नक्षत्र पर 2700 से अधिक बच्चों को करवाया गया स्वर्ण प्राशन। यह जो फुटेज आप देख रहे हैं ये उदयपुर में स्थित आलोक संस्थान की है, जहां पर डॉक्टर शोभालाल औदीच्य जो कि स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम के प्रभारी है, साथ ही उदयपुर के उपनिदेशक डॉक्टर गिरिजा शंकर जोशी तथा सहायक निदेशक राजीव भट्ट वहां उपस्थित रहे और कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। निरोगी राजस्थान अभियान के साथ ही जिला कलेक्टर आनंदी द्वारा चलाया जा रहा कुपोषण के खिलाफ अभियान में आयुर्वेद विभाग भी अपनी सेवाएं दे रहा है। आलोक संस्थान में 0 से 16 वर्ष तक के सभी बच्चों को यहां पर स्वर्ण प्राशन करवाया गया। सहायक निदेशक ने बच्चों को समझाया कि किस तरह से यह औषधि कार्य करती है और किस तरह से यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह कार्यक्रम आयुर्वेद विभाग के साथ ही रोटरी क्लब तथा आलोक इंटरैक्ट क्लब के तत्वाधान में किया गया है। वैसे तो पुष्य नक्षत्र के मौके पर आज पूरे उदयपुर के सभी नोडल केंद्रों पर, जो कि आयुर्वेद विभाग के हैं, 31 सेंटरों पर आयुर्वेद की यह औषधि स्वर्ण प्राशन बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पिलाई जा रही है। इस मौके पर आयुर्वेद विभाग उदयपुर से उपनिदेशक डॉक्टर गिरिजा शंकर जोशी, सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव भट्ट तथा संयोजक प्रभारी अधिकारी स्वर्ण प्राशन अभियान के डॉक्टर शोभालाल जी औदीच्य तथा कंपाउंडर साथी कंचन कुमार डामोर और हितेश चौबीसा ने अपनी सेवाएं दी। साथ ही डॉक्टर शोभालाल औदीच्य ने बताया कि यह औषधि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली, बल बुद्धि को बढ़ाने वाली यह औषधि 0 से 16 वर्ष के हर बच्चे को पिलाई जानी चाहिए ताकि इसका लाभ उसे मिल सके। आयुर्वेद के मतानुसार यह बताया जाता है कि हर माह की पुष्य नक्षत्र तिथि पर इस औषधि का सेवन करने से यह अधिक प्रभावी कार्य करेगी। डॉक्टर औदीच्य ने कहा कि आने वाले समय में हम इसी तरह के कैंप लगाकर बच्चों को अधिक से अधिक स्वर्ण प्राशन करवाने का प्रयास करेंगे। आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने इस कार्यक्रम की सराहना की तथा आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजन करवाने का आश्वासन दिया। शनिवार को आज आयुर्वेद विभाग राजस्थान, रोटरी क्लब उदयपुर, आलोक इंटरनेट क्लब और आलोक संस्थान मिलकर शोभालाल जी औदीच्य के नेतृत्व में करीब 900 बच्चों को आज हम स्वर्ण प्राशन संस्कार से इनको दवा मिलाकर और इनके जीवन में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने की दृष्टि से एक बहुत सार्थक प्रयास शोभालाल जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है और ये अभियान करीब 10,000 बच्चों के बीच में जाएगा और एक स्वर्ण प्राशन संस्कार की लागत सामान्यतः 50 रुपए आती, जो निःशुल्क ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो अगर आज अनुमानित राशि के रूप में देखें तो कोई 4 लाख रुपए की दवाई आज हम इन बच्चों को यहाँ पिला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय शोभालाल जी और इस बारे में विचार करें। राजस्थान को जो दिलों के राजस्थान के जो लेके चल रहे हैं, बच्चे स्वस्थ रहे बिना
सात मार्च को फिर होने वाला है शनिवार को पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों को 16 साल तक बच्चे का जाएगा। हमारे उप निदेशक महोदय सेक्रेटरी जोशी साहब और डॉक्टर रणदीप सहायक उपस्थित है। हम ये कार्यक्रम यहाँ उदयपुर नहीं कर रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, साथ ही पूरे उदयपुर के अब 31 स्थानों पर हमारे लगभग जो डॉक्टर्स वहाँ लगे हुए हैं वो वहाँ जाके गाँव में भी मिला रहे हैं। तो कुपोषण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है आनंदी मैडम जो है कलेक्टर मैडम का उसके अंदर भी हम बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। पूरा उदयपुर रोग मुक्त हो इस माध्यम से हमारे स्वास्थ्य रोटरी क्लब की ओर से आदरणीय उपनिदेशक महोदय विजय सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आदरणीय उपनिदेशक जी भी इस अभियान के बारे में दो शब्द बताएं। रोगी राजस्थान के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा 6 से 0 से 16 साल तक के बच्चों का स्वर्ण संस्कार कराया जा रहा है। इससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी और लड़ने की क्षमता पैदा होगी। हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं और ये बच्चों के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यहाँ की खबरें आप तक बहुत ही जल्दी पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
शर्मा आयुर्वेद विभाग उदयपुर उप निदेशक महोदय हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक जो प्रभारी है डॉक्टर शोभालाल जी अध्यक्ष हमारे साथ हैं। राजीव जी भट्ट सिंह का बहुत निरंतर सहयोग हमको रोटरी में और आलोक संस्थान और सभी कार्यों में मिलता है। आज एक और अभूतपूर्व बात यह रही, हमने टारगेट 700 बच्चे किया था लेकिन यह 1300 से ऊपर करीब 1400 के करीब बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार आज यहाँ संपन्न हुआ है। इसको अगर हम पैसे वाइज इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं तो कोई ये 5 लाख रुपए की दवाई एक तरह से एक बच्चों को आज निःशुल्क पिलाई गई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि एक दिन में 1400 बच्चों को स्वर्ण प्राशन संस्कार से संस्कारित किया गया है। मैं आयुर्वेद विभाग का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय उप निदेशक महोदय का, माननीय प्रभारी महोदय का और समस्त